सर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, जैसे हमेशा कहते हैं कि पहली चीज़ हमेशा हमेशा पहली होती है, बहुत खास होती है, उसका एक्सपीरियंस आई थिंक किसी से भी मैच नहीं कर सकता है। तो हम तीन यहाँ पे हैं जिनकी ये पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्टर। तो यस, बहुत ज़्यादा खुशी है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और नर्वसनेस भी है कि कल आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। आप लोग बताइए, आप सबकी फिल्म कैसी लगी? बस और बस यही यही दुआ करता हूँ कि कल जैसे आपका रिएक्शन है, ऐसे फिल्म रिलीज होने के बाद कल बाकी लोग का भी रिएक्शन हो। ये जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और मैं फाइनली होता इसके लिए, सबसे पहले तो मैंने उस वक्त सबसे पहले अपने को फिजिकली फिट किया था ताकि एक सोल्जर की तरह वो लीन टोन बॉडी, उससे पहले मैं बहुत बल्कअप था, तो वो किया। और उसके बाद कैरेक्टर के लिए आई थिंक कहते हैं कि जब एक डायरेक्टर फिल्म का अच्छा हो तो एक्टर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, तो मैं इसका पूरा क्रेडिट दूंगा ब्रजेश सर को कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे पूरा कैरेक्टर समझाया। और हम लोग शूट पे जाने से पहले हम लोग रात रात में बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे, रिहर्स किया करते थे, इवन एक्शन सीक्वेंस हम लोग जाके अक्सर बीच में सुबह 4-5 बजे जाके शूट किया करते थे ताकि हम लोग को सेट पर जाके प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब मेहनत की है और हमारे सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। जब हम लोग रिहर्स किया करते थे, डायलॉग रिहर्स किया करते थे, एक्शन सीक्वेंस सुबह 5 जाके अक्सर बीच पर रिहर्स किया करते थे, तो नॉर्मली अगर सर चाहते तो नहीं आते, लेकिन ये आया करते थे हमारे साथ में, बैठा करते थे कि तुम लोग मेहनत कर रहे हो तो मैं भी यहाँ बैठूंगा क्योंकि मेरी भी पहली चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ मिलकर मेहनत करें। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहूँगा कि पहले हमने 2017 पे अप्लाई किया था तो उसमें मोदी जी कट गए थे, हमारे जो मोदी जी है वो कट गए थे। अब से हमने वापस से अप्लाई किया था वापस से, तो हमको बहुत कट कंपैरिजनली उससे कम कट मिले और मोदी जी भी हमारे बच गए। तो आई वुड बी थैंकिंग द चेयरमैन ऑफ द सेंसर बोर्ड फॉर ऑल द थिंग्स ही हैज डन, एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ उनका। थैंक यू वेरी मच। ऑब्वियसली शोएब को बड़े पर्दे पे देखने का जो सपना था वो बहुत समय से हम सबका था, एंड आज जब यू नो इट्स फाइनली हैपेंड एंड हमने देखा है, तो कहते ना कि कई एक्सप्रेशंस आप इन वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो इट्स जस्ट अ फीलिंग जो शायद हमेशा एक वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल डेज ऑफ आवर लाइव्स, एंड उसके लिए एक बहुत स्पेशल थैंक यू विजय सर को डेफिनेटली, एंड लालवानी सर को, क्योंकि इन्होंने वो एक कॉन्फिडेंस शोएब में दिखाया कि येस ही विल कैरी कामराज ऑन हिज शोल्डर्स सक्सेसफुली, एंड अब वो ये बताएंगे और वो आप बताएंगे कि शोएब कितना जस्टिस कर पाए, एंड या दैट्स बहुत नर्वसनेस है, बहुत एक्साइटमेंट है कि कल आप सबका रिएक्शन और जनता का रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि हम जब ये कुछ एंटरटेनमेंट कुछ भी हम लोग करते हैं तो मेन रिएक्शन जो है वो हमारी जनता का होता है और वही हमें जज करने वाली है, तो बस उसी का इंतजार है। हम लोग ने जब डिसाइड कर लिया था कि 11 जनवरी को हम लोग रिलीज करेंगे और उसके लिए हमने अपनी मार्केटिंग और वगैरह वगैरह सबको सारा तैयारी कर ली थी, उसके बाद उरी आई एक्चुअली पिक्चर। हम दोनों का कंटेंट बहुत अलग है, वो रियलिस्टिक पूरी फिल्म है कि सर्जिकल स्ट्राइक पूरा कैसे हुआ, और हमारी फिल्म आपने देखा होगा फुल फिक्शन है, इसमें मसाला है, बॉलीवुड है, वॉर भी है और साथ में क्रिकेट भी है, तो हम दोनों का जॉनर बहुत डिफरेंट है और हम भी सबसे उम्मीद यही करेंगे और यही आप सबसे वादा करते हैं कि आप निराश नहीं होंगे हमारी फिल्म देख के, तो कल जाइए देखिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये पिक्चर मेरा एक सपना था जो कल रिलीज होने जा रही है, और इस सभी टीम का बहुत साथ रहा है मेरे साथ और बहुत प्यार दिया है इन्होंने मुझे, और बस इतना ही बोलना चाहूँगा। मेरा कोई फायदा नहीं होगा इस फिल्म को, इट इज जस्ट जैसे आप लोगों ने देखा था जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी तो मुझे जिस तरह से शोएब ने सपोर्ट किया, आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग मेरे सपोर्ट की तरह खड़े रहे, और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि इस वक्त मैं थोड़ा मेरा यहाँ रहना थोड़ा भी इस फिल्म को अगर आप कह रहे हो सपोर्ट करता है, मेरा ये नजरिया नहीं है। मुझे लगता है एज अ कपल हम हमेशा हैंड टू हैंड चले हैं, एंड आगे भी इंशाल्लाह हमेशा हम लोग हैंड इन हैंड चलेंगे डेफिनेटली। ये बात कही जाती है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बट आई थिंक इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो, अगर एक कपल एक दूसरे के पीछे खड़ा रहे तो दे आर डेफिनेटली इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ दे विल ओनली विन, एंड आई एम श्योर ये फिल्म अपनी जो ऑडियंस खींचेगी वो सिर्फ अपने दम पे, ये जो पूरी टीम है इनके मेहनत के दम पे, उसके कंटेंट के दम पे एंड परफॉर्मेंस के दम पे, एंड आई एम जस्ट हियर टू कीप माई आई थिंक कीप माई ओपिनियन एंड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीबडी की गाइज प्लीज गो वॉच, इट्स श्योर हार्डवर्क जो सबने किया है, सो प्लीज जाइए देखिए, आप निराश नहीं होंगे।